नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और हमारी आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है ह्यूमन राइट्स, मतलब कि मानव अधिकार। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है प्रोफेसर शंकर शरण जी, जो कि एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने आज के चर्चा के विषय के बारे में एक विस्तृत चर्चा। तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो आज हम के पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्यों, ऐसे संयोग ऐसा है कि आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि आज के ही दिन 70 साल पहले 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था यूनाइटेड नेशंस में। तो उस मानवाधिकार घोषणा पत्र में पहली बार एक विश्व समाज के सामने मानवाधिकार को एक महत्वपूर्ण धारणा और इसकी स्वीकृति के रूप में रखा गया, और तब से इस दिन को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग आज ये मानवाधिकार क्या है, कैसे इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि क्यों यह धारणा पैदा हुई और क्यों ये घोषणा पत्र लेने की ज़रूरत पड़ी, इसके क्या परिणाम हुए, कोई अच्छे परिणाम हुए भी या नहीं हुए, फिर मानवाधिकार क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इससे संबंधित बातें, क्योंकि समय कम है तो जितना हो सकेगा उतनी हम लोग बातचीत करेंगे। तो शंकर जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई है कि आज ह्यूमन राइट्स डे भी है, मतलब कि मानव अधिकार दिवस भी है, जो कि अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स डे के बारे में बात करेंगे। तो अगर जनता का कुछ सवाल है इससे जुड़े हुए, तो आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस हमें भेज सकते हैं लगातार हमारे शो के दौरान। तो सर, मैं आगे आपसे ये समझना चाहूँगी कि मानव अधिकार की बात हो रही है तो क्यों ना समझे कि मानव अधिकार क्या है। हाँ, ये एक अर्थ में ये बिल्कुल नई धारणा नहीं है। पहले इसी को प्राकृतिक अधिकार कहते थे, नेचुरल राइट्स, क्योंकि जैसा हम सबको मालूम है कि ये राजनीतिक विकास इस तरह से हुआ है कि आजकल लोकतंत्र का युग है। इससे पहले राजतंत्र का था, उससे पहले भी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग तरह की व्यवस्थाएँ थी। तो यह जो मनुष्य के अधिकार हैं और मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, इसकी धारणा धीरे धीरे 16वीं शताब्दी से यूरोप में, अमेरिका में विकसित हो रही थी। और जब यह लोकतंत्र का युग आया तो मनुष्य केंद्र में आ गया। मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की अपनी अनुभूति, उसकी इच्छाएं, उसके जीवन और उसके विचार करने का अधिकार, इन सबको धीरे धीरे महत्ता मिलने लगी। लेकिन पहले इसी को नेचुरल राइट्स कहा जाता था। जो लिबरल चिंतक हुए यूरोप के, उन्होंने इसको राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, इस तरह से कह करके एक नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार रूप में कहा था कि कुछ अधिकार मनुष्यों को प्रकृति से मिले हुए हैं। 20वीं सदी में, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, एक ऐसी स्थिति आई थी जिसमें इसे एक नई धारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसी को ह्यूमन राइट कहा गया। अच्छा। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी जान लेनी चाहिए कि ये धारणा क्यों आई या क्यों इसको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत हुई। तो हुआ ऐसा कि 20वीं शताब्दी के जो पहला आधा हिस्सा है, उसमें दुनिया के कई देशों में कुछ ऐसे अनुभव हुए जो मानवता की दृष्टि से बड़े लोमहर्षक थे। 20वीं सदी को उन्नति की और लोकतंत्र की और बहुत विकास की सदी माना जाता है, जो वे है भी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने विश्व स्तर पर मानवता को हिला दिया। उसमें सबसे पहला था वो आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार हुआ टर्किस एम्पायर में। आर्मेनियाई लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो आर्मेनियाई थे, और उनको पूरे, या तो उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया या अपने देश से निकाल दिया गया। ये टर्किश एम्पायर में हुआ। उसके बाद जर्मनी में हिटलर, ये फासिज्म का उदय हुआ, जिसमें हिटलर के शासन में कई देशों में जो लोमहर्षक अत्याचार हुए, एक यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने की उन्होंने योजना बनाई,
और करने की कोशिश भी की, लाखों यहूदियों का संहार हुआ, उन्हें गैस चैम्बर में डाल करके मार डाला गया, बहुत से यहूदियों को अपनी जगह छोड़ करके जान बचानी पड़ी। फिर सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म के दौर में स्टालिन के शासन में बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का संहार हुआ। तो इन सब घटनाओं ने और भी देशों में हुआ, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म था, हालांकि रेसिज्म अमेरिका में भी था। तो इन सब घटनाओं के मद्देनज़र एक दुनिया में एक भावना बैठी कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले ही से कहा जाता था कि ये किसी देश के मामले में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो जर्मनी में हो या सोवियत यूनियन में हो या टर्की में हो, हर जगह जो सत्ताधारी लोग थे जो ऐसे काम करते थे, उनका कहना था कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये तो हमारा इंटरनल मामला है, हम लेजिटिमेट शासक हैं, हम जो उचित समझते हैं वो करते हैं, और इसीलिए अगर हम किसी कारण से ऐसा समझते हैं कि इन खास लोगों को या इन खास समुदायों को पनिश करना है या नहीं रहने देना है, तो ये हमारी उसको क्या कहें, सॉवरन राइट है। इसी पर दुनिया में एक असहजता पैदा हुई और धीरे धीरे हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी सरकार और किसी भी देश की सीमा के अंदर मनमाने तौर पर तय नहीं की जा सकती, और इसी से ही शब्द की उत्पत्ति हुई कि ह्यूमन राइट्स, मनुष्यों के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई विचारधारा छीन नहीं सकती, और उन्हीं विचारों को, उन्हीं धारणाओं को एकत्र करके एक ह्यूमन राइट चार्टर बना। और उस चार्टर को बनाने में बहुत लोगों का योगदान था, लेकिन उसकी अध्यक्षता थी श्रीमती रूजवेल्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, उनकी पत्नी, और लोग थे उसमें हमारे भारत से भी एक सदस्य थी डॉक्टर हंसा मेहता। अच्छा। और कहा जाता है कि उनका भी एक योगदान है कि ये जो चार्टर है ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें ही और शी का प्रयोग नहीं है, तो मतलब ह्यूमन को रियली ह्यूमन बनाने में हंसा मेहता का योगदान है। तो इस तरह से ये चार्टर बना और इसकी 30 धाराएं हैं। इन 30 धाराओं में वो सब बातें रखने की कोशिश की गई जो कि मनुष्यों के सामान्य मनुष्य का ह्यूमन राइट। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि क्यों ये चार्टर बना और क्यों यह धारणा विकसित हुई। हाँ जी। तो सर, एक प्रश्न आया है गीता श्रीवास्तव जी का, वो पूछना चाहती हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। ये वही चीज़ है जो जिस घोषणा पत्र की मैंने बात कही, यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसी का यह शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें 30 धाराएं हैं और 1 से 30 तक वो आप वेब पर मिल जाएंगी और कहीं भी देख सकते हैं। इसमें सभी धाराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ धाराएं विशेष महत्वपूर्ण हैं, जैसे मैं एक आध, जैसे पहली धारा कहती है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सबके समान सम्मान और अधिकार हैं, दे आर एंडाउड विथ रीजन एंड कॉन्सेंस एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, उन सभी मनुष्यों को विवेक और अंतः चेतना होती है, अंतरात्मा होती है, और उन्हें एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव से व्यवहार करना चाहिए। ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 4 है नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स, तो गुलामी मंजूर नहीं की जा सकती, गुलामी की कोई भी व्यवस्था अब स्वीकार नहीं होगी और इसकी मनाही की जाती है। इसी तरह आर्टिकल 5 है नो वन शैल बी सब्जुगेटेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। अभी मैंने जिसकी चर्चा की, जैसे हिटलरी जर्मनी में या स्टालिनकालीन रूस में जिस तरह से पनिश किया जाता था और यातना दी जाती थी, एक तरह से यह धारा उसको प्रोहिबिट करती है। इसी तरह आर्टिकल 10 कहता है एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वलिटी टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, अर्थात किसी भी पर भी अगर कोई आरोप लगाया जाता है अपराध का, तो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष हियरिंग का अधिकार है और उसके और इसे एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल द्वारा सुना जाना चाहिए। तो यह एक तरह से उन व्यवस्थाओं पर अंकुश था जहाँ पर
जस्टिस के नाम पर मनमानी होती थी या वो इम्पार्शियल नहीं होता था या क्लोज्ड होता था, बाहरी दुनिया को मालूम नहीं होता था। तो इस तरह से फिर आर्टिकल 18, 19, 20, 21 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 81 में है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में और तानाशाही देशों में इस चीज़ पर बिल्कुल मनाही होती है कि आप स्वतंत्र रूप से सोच विचार नहीं कर सकते और उसे प्रकट नहीं कर सकते, थॉट, कॉन्सेंस एंड रिलीजन। उसी तरह 19 में है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने और अभिव्यक्त करने का अधिकार। फिर आर्टिकल 20 है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, अर्थात समूह और संगठन बनाने का अधिकार और सभा करने का अधिकार। तो फिर 21 में है एवरीवन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार। तो ये चारों धाराएं उस समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है जब ये बना था, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं था। आज भी दुनिया में जिन कुछ हिस्से, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तो ये धाराएं एक तरह से उनकी ओर इशारा करती हैं कि इस तरह की चीज़ें उचित नहीं हैं, यह मानव अधिकार के विरुद्ध है। हर एक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, और अगर वह शासन से असंतुष्ट है तो उसके प्रति विरोध करने का उसको अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो यह सब चीज़ें उस जमाने के बैकग्राउंड में बड़ी महत्वपूर्ण थी और एक अर्थ में आज भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न है कि ये UNDHR क्या है, तो ये सिर्फ ये 30 धाराएं हैं, उन्हीं को UNDHR कहते हैं। इसमें कुछ धाराएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, कुछ धाराएं कहा जा सकता है सजेस्टिव है, एक तरह से वो सबको उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक आदर्श है कि उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13, everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state and everyone has the right to leave any country including his own and return to his country. to ye adhikar kehta hai ki koi bhi vyakti apne desh mein kahin bhi jane aane ke liye swatantra hai aur wo aur isi ki dusri dhara kehti hai, dusra paksh kehta hai ki wo apna desh chhodne aur kahin bhi jane ke liye bhi swatantra hai, lekin vyavhar mein yeh cheez kai deshon mein uplabdh nahi hai। खास करके जो तानाशाही देश हैं वो अपने नागरिकों को कहीं भी अपने देश के अंदर भी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं देते, देश छोड़ना तो दूर की बात रही। तो एक तरह से ये जो चार्टर है ये एक आइडियल भी है, एक चेतावनी भी है और एक मॉडल भी है। कई देशों में ये बहुत हद तक यह संपूर्णता प्राप्त है और कई देशों में यह बिल्कुल अभी कम मिला हुआ है या नहीं के बराबर मिला हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया या कुछ हद तक चाइना भी, कुछ अरब देश भी। लेकिन सौभाग्यवश हमारा देश लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में है और यहाँ पर लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, और बल्कि आप देख सकते हैं कि ये जो धाराएं हैं, 30 धाराएं हमारे संविधान में जो चैप्टर 3 और 4 है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो आप देखेंगे कि लगभग ये सारे के सारे उसमें कवर्ड है। तो एक अर्थ में हमारे संविधान में इस ह्यूमन राइट चार्टर की अधिकांश बातें हूबहू स्वीकृत हैं और हमारे देश में वो लागू भी हैं, क्योंकि वो कानून में है, इसलिए वो न केवल आइडियल है बल्कि वो वास्तव में मिला हुआ है। तो इस अर्थ में हमारे देश की स्थिति तुलनात्मक रूप से ह्यूमन राइट्स के मामले में अच्छी है। हाँ जी सर, आपने मानव अधिकार घोषणा पत्र की बात करी इन अ वे, तो क्या मानव अधिकार घोषणा पत्र तथा इन विचारों से कुछ परिवर्तन आया है दुनिया में या देश में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रायः ऐसा माना जाता है कि घोषणा पत्र और कागज़ तो बन जाते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो इसका कारण ये था कि ये जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ था, दो दो तीन तीन किस्म की दुनिया में तानाशाहियाँ चल रही थी जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का संहार हुआ, निर्दोष लोगों का संहार हुआ, अपने ही देश के लोगों का अपने ही सत्ताधारियों ने संहार किया, और इस पर जो दुनिया में जो एक उद्वेलन हुआ उससे ये चार्टर बना था। इसलिए इसके प्रति एक संवेदना पहले से थी कि हम इसे न केवल सिर्फ एक कागज बनाएं बल्कि इसको लागू भी करने की कोशिश करें। फिर बाद में उस समय जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि वो एक कोल्ड वार का ज़माना था। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में फ्री वर्ल्ड थे, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड थे,
या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थे और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, सोवियत रशिया, उसके नेतृत्व में कम्युनिस्ट देश थे। तो इनके बीच एक पावर ब्लॉक का की रस्साकसी चलती थी, जिसको कोल्ड वार कहा जाता था, कि युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन युद्ध का तनाव हमेशा मौजूद रहता था। तो ये संयुक्त राष्ट्र बनने के अगले 2-3 दशक ये कोल्ड वार जैसी स्थिति थी। उसी स्थिति में 1975 में हेलसिंकी एकॉर्ड हुआ। इसका ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है ह्यूमन राइट मूवमेंट में, और इनफैक्ट ह्यूमन राइट चार्टर के बारे में भी, क्योंकि आज हम जितना ह्यूमन राइट चार्टर और ह्यूमन राइट की बात करते हैं और जानते हैं, सच पूछिए तो 40 साल पहले इतना नहीं होता था। इनफैक्ट जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ 1970s अर्ली 70s तक ये सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसा था, इसकी चर्चा कम होती थी, और इसीलिए हेलसिंकी अकॉर्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें दोनों पावर ब्लॉक के बीच हेलसिंकी में एक समझौता हुआ जिसमें इसको स्वीकृति दी गई और एक इस बात की मान्यता दी गई कि अगर कोई दूसरा देश, अगर किसी देश में वायलेशन हो रहा है तो उसको ये उसके बारे में बोलने का और उसमें सहयोग करने का, हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार है। तो इससे इसके बाद से वो इंटरनेशनल संस्थाएं बननी शुरू हुई, जैसे पहले हेलसिंकी वॉच बनी कि हेलसिंकी में आपने जो करार किया उसको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो हेलसिंकी ने ये व्यवस्था दी जो आज हम देखते हैं सब जगह, कि ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इस तरह की संस्थाएं दुनिया में जा करके वॉच करती हैं, रिपोर्ट बनाती हैं, ये उससे पहले नहीं था। तो इसी से हेलसिंकी वॉच ही इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स वॉच में बदल गया, वही उसका नाम है। तो इनका काम इन्होंने यहाँ से शुरू किया कि जिन सोवियत ब्लॉक के देशों ने इस पर दस्तखत किए वह उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। जैसे आप कहते हैं कि आपको आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस दी है, लेकिन आपने अपने फलाने कवि या फलाने लेखक को बंद किया, किस अपराध में बंद किया। तो इससे दुनिया में एक नई सजगता पैदा हुई, और मैं कहूँगा कि 75 के बाद से इसका बहुत गहरा असर पड़ा कि ये चार्टर की बातें उन तानाशाही शासनों के लिए एक अंकुश बन गई, क्योंकि लोगों को इस बात की स्वीकृति मिल गई कि वो उसके बारे में बोल सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, शासकों की आलोचना कर सकते हैं, और उसके लिए जो लोकतांत्रिक देशों में होता है, आप उनके एम्बेसी पर धरना दे रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं। तो इससे तानाशाही देशों में शासकों को कठिनाई होने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया या अंकुश लगाया, और धीरे धीरे ये उनके देशों में थोड़ी स्वतंत्रता का क्षितिज फैला। तो मैं कहूँगा कि इसने इस चार्टर ने एक अच्छी भूमिका निभाई, और इसके प्रति जो सजगता पैदा हुई खास करके 75 हेलसिंकी के बाद से, उसने दुनिया में सभी तानाशाहियों को सतर्क किया कि वे मनमानी जुल्म ना करें, और जो करते हैं उसके बारे में तैयार रहें कि उन्हें हिसाब देना होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इसका नुकसान भी हो सकता है। कई देशों में, बल्कि पूरे सोवियत ब्लॉक के बारे में कहना चाहिए कि उनका शासन अंततः खत्म ही हो गया। तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि इन्होंने अपने देशों में अपनी जनता पर तानाशाही लाद रखी है जो जनता नहीं चाहती। तो अंततः सोवियत यूनियन को कोलैप्स हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, हंसी में कहते हैं, कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स का बीज उस हेलसिंकी अकॉर्ड में छिपा हुआ था। सर, यहाँ पे माधुरी जी का एक प्रश्न आया है। आपने मेंशन किया फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रही हैं, वो ये समझना चाहती है कि इन आर कंट्री वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक और वी आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स मेंशनड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आवर कंट्री? यस, इट इज ऑब्वियसली एन एग्जैजरेशन, बिकॉज इन आवर कंट्री द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज क्वाइट एक्सेप्टेड बाय पार्लियामेंट, बाय जुडिशियरी, बाय पीपल, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी किसी बात की अगर आलोचना करना चाहे, चाहे सत्ताधारियों की, इवन कोर्ट्स की। तो अभी देखिए कोर्ट की आलोचना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी हस्ती है किसी पर्टिकुलर जजमेंट की, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई किसी को बोलने से रोकता है या उन पर दबाव डालता है, तो ये सब छिप के होता है और इलीगली होता है। तो इस रूप में ये कहना उचित शायद संभव ठीक नहीं है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे देश में अखबार है, टेलीविज़न है, प्राइवेट चैनल्स हैं, लोग सारे पब्लिकेशन फ्री हैं, मतलब
कोई सेंसरशिप नहीं है, किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि हम ये किताब छापें या ना छापें। जो पहले लाइसेंस और परमिट भी बहुत चीज़ों के लिए लेनी पड़ती थी, वो भी काफ़ी हल्का हुआ है। तो पब्लिकेशन और ख़ास करके इंटरनेट के युग में तो पब्लिकेशन और एक्सप्रेशन के बारे में ऑब्जेक्ट करने की बात ही लगभग असंभव हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारा देश वस्तुतः दुनिया के सबसे अधिक फ्री स्पीच वाले देशों में है। सर, कुछ रेयर केसेस हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट ऐसा हुआ है सोशल मीडिया साइट में कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन पे लीगल कार्रवाई हुई है इस वजह से। सो इसको कैसे देखा जा सकता है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ की बात भी आती है। कि किसी की राइट्स, जो वो अंग्रेज कहावत है कि भाई आप अपना हाथ घुमा सकते हैं जितना चाहें, लेकिन वो ध्यान रखें को मेरे नाक में ना लगे। तो हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई बात कार्रवाई होती है तो वो लीगल फ्रेमवर्क में होती है। जैसे हमारे यहाँ तो डिफेमेशन का लॉ उतना कड़ा नहीं है, लेकिन यूरोप अमेरिका में तो, ये अमेरिका में तो डिफेमेशन का लॉ बहुत कड़े है। कि अगर आपने किसी के बारे में या कोई ऐसी बात कही जिससे किसी की प्रतिष्ठा को आँच पहुँची और वो बात सही नहीं है, तो बहुत बड़ा दंड मिलता है जुर्माने के रूप में। हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था तो है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट उसके साथ प्रोविजो है कि आप उससे सामाजिक अशांति ना फैले। तो आप अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे सामाजिक अशांति फैलने की आशंका हो, तो सरकार को और सामाजिक संस्थाओं को भी अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को पर अंकुश लगाएं। तो फिर लोग निजी तौर पर भी करते हैं कि किसी ने कोई बयान दिया और उससे अगर किसी को चोट पहुंची तो वो अदालत जाकर के डिफेमेशन का केस करते हैं। अभी भी हमारे अदालतों में कई ऐसे केस चल रहे हैं। तो वो उस तरह का मामला है कि आप अगर कोई बात कहते हैं तो आपको उसके प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ, मैंने यह बात कही और मेरे पास ये कहने का आधार है। अगर आप उससे प्रूफ नहीं कर सकते और अगर आपके पास उसका आधार नहीं है और उससे किसी को चोट पहुंची है, तो स्वाभाविक रूप से आपको तैयार रहना होगा कि आप उसके लिए अगर दंड मिलता है तो स्वीकार करें। तो मैं समझता हूँ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राइट्स और ड्यूटी के संतुलन का मामला है। कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको झूठ, किसी के बारे में झूठ फैलाने या समाज में दुर्भावना फैलाने का अधिकार आपको नहीं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा पॉइंट सर ने रखा, ये डिफरेंस हमें समझा दिया जो ये चीज़ें होती हैं। सर, दो चीज़ें ऑलवेज कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, वन इज़ मानव अधिकार और एक है कानूनी अधिकार की बात की जाए, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, मैं इस पर आता हूँ। मुझे उस पिछले पॉइंट में एक और बात ध्यान में आई कि जब ह्यूमन राइट्स चार्टर बन रहा था तो हमारे महात्मा गांधी जिंदा थे, तो उनसे भी पूछा गया था कि ये चार्टर बन रहा है, आपके इस पर क्या विचार है? अच्छा। तो उन्होंने कहना चाहिए कि राइट्स की बात को ही डिसमिस कर दिया। कहा कि अधिकार, अगर सब लोग अपनी कर्तव्य करें तो अपने आप सबके अधिकार मिल जाएंगे। और ये उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान रखो, और अगर सभी लोग अपना कर्तव्य करेंगे तो अपने आप सबको अधिकार मिल जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन उस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने राइट्स को ही सेकेंडरी माना था और ड्यूटी को प्राइमरी माना था। और सच पूछिए तो ये भारतीय परंपरा का या भारतीय ज्ञान परंपरा की ये बात है कि हम अधिकारों पर, अधिकार मतलब संस्कृत में अधिकार का अर्थ कुछ और है, राइट्स, हम लोग राइट्स को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना ड्यूटी को मानते हैं। दैट डजंट मीन कि इससे राइट सेकेंडरी हो जाती है। इट ओनली मीन्स कि राइट्स को सबको प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सब लोग अपनी ड्यूटी करें, तो विच इज थ्योरेटिकली करेक्ट। तो ये मुझे ध्यान आया, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया। अब आपकी वो बात कि लीगल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें सिर्फ एक टेक्निकल अंतर है। जैसे लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपको एक्चुअली अवेलेबल है, जिसको अगर कोई आपको नहीं देता है या कोई इसका उल्लंघन करता है तो आप अदालत जा सकते हैं और वहाँ जाकर के डिमांड कर सकते हैं कि ये राइट मेरे हैं और ये मुझे नहीं मिल रहे हैं, या इसका किसी ने उल्लंघन किया है, ये मुझे मिले। ये हुए लीगल राइट्स। ह्यूमन राइट्स इस कैटेगरी में नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल मोरल राइट्स।
मोरल राइट क्या होते हैं? मोरल राइट आर नॉट द राइट विच इज इनफोर्सिएबल. फॉर इंस्टेंस, आपने किसी से पोलाइटली बात नहीं किया, रफली बात किया, अब ये किसी कानूनी धारा से ये पनिशेबल नहीं है, लेकिन मोरली इट इज अनएक्सेप्टेबल कि नैतिक रूप से आपने सही काम नहीं किया. आपको विनम्रता से बात कहनी चाहिए, जो आपका सबॉर्डिनेट है उससे भी, पड़ोसी उससे भी, कोई छोटा व्यक्ति है उससे भी. तो दिस इज़ कॉल्ड मोरल राइट, कि ये मेरी मोरल राइट है कि आप मुझसे विनम्रतापूर्वक बातचीत करें. टेक अनदर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं किसी काउंटर पर, वहाँ और भी लोग हैं, तो एक क्यू बन जाती है. अब क्यू को फॉलो करना ये कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, ये कोई हमारे कानून की धारा नहीं कहती है कि यू हैव टू फॉलो द क्यू, बट इट इज़ मोरल इंजंक्शन. ये हम पर एक नैतिक दबाव है कि जब हमसे पहले आया है उसको पहले टिकट मिलना चाहिए या सामान मिलना चाहिए. तो अगर आप इसको वायोलेट करते हैं तो आप एक मोरल वायोलेशन कर रहे हैं. इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि ये लीगल वायोलेशन नहीं है, आपने किसी लॉ का वायोलेशन नहीं किया. लेकिन अगर आप क्यू तोड़ते हैं या इस तरह की चीज़ें तोड़ते हैं तो ये मोरल कोड का उल्लंघन है. तो ह्यूमन राइट को कहा जाता है इट इज़ इंटरनेशनल और यूनिवर्सल मोरल कोड. तो दैट वे दीज आर नॉट लीगल राइट्स. जैसा मैंने आपको कहा कि अभी इसमें बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो दुनिया के कई देशों में लागू नहीं हैं, जैसे आर्टिकल 13, वो चाइना में, नॉर्थ कोरिया में और सो मेनी कंट्रीज, वो उस तरह से लागू नहीं है. कोई अपना देश जब चाहे छोड़ के जा सकता है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग. ये ऐसे राइट्स नहीं है जिसके लिए आप कहीं पहुँच के कहें कि देखो ये हमारे ह्यूमन राइट है, हमें दो. सो बट लीगल राइट्स आर सच राइट्स कि अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आप जा करके डिमांड करेंगे और कोर्ट और स्टेट आपको वो प्रदान करेगी. तो दिस इज द डिफरेंस कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स विच ऑट टू बी गिवन, ऑट टू बी हैड. लेकिन लीगल राइट्स यू एक्चुअली हैव. लीगल राइट्स वो हैं जो आपको मिले हुए हैं, आपके पास है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं. ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो मनुष्यों को होने चाहिए. कुछ आपको मिले हुए हैं, कुछ आपको नहीं भी मिले हुए हैं, लेकिन ये एक हमारा आदर्श है कि हमें मानवता को, सभी मनुष्यों को उस स्तर पर पहुंचाना चाहिए, सभी देशों को, सभी समाजों को, कि ये सारे अधिकारों का उपभोग सभी लोग समानतापूर्वक कर सकें. सो दिस वे इट इज़ ए यूनिवर्सल मोरल ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द लीगल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. और सर, यहाँ पे क्वेश्चन आया है खुशी सिंह जी का. She wants to understand, are there similarities between UN human rights and fundamental rights of Indian Constitution? That we have already discussed. That so many rights in our fundamental rights are exactly the same which are encoded in Universal Charter of Human Rights. So, for instance, the freedom of speech, freedom of movement, freedom of making organization, all these are exactly available in our constitution, and we actually already enjoying it. Right. So that is true that there are so many rights which are very common in our constitution and human rights charter. That's a similarity she is asking, UN human rights and fundamental rights of Indian constitution. Yes, they are exactly similar, only the words are different, but the intent and meaning are the same. Okay. So we are getting another question from Rashtri. She wants to understand, don't you think it's just a dictum mentioned in the UDHR, discrimination against women? What you have to say about it in context of India and you as an Indian? I think this is an issue of proportion. There are countries, women question, women rights are very much there in the Universal Charter of Human Rights. And In our constitution also, since it is in fundamental rights that all citizens are equal, so irrespective of sex, religion, caste and all that, so that way we have equality. But yes, to the extent it is available to all the people including women is a matter of should I say opinion. Some people say that we have very much equal rights for women and they fully enjoy it. No woman is barred on the basis of being women to reach any position or any job or any field of work. But
in so many other countries women don't have such rights. But then again, as so far as in some incidents or some unsaid conventions are going on, one can also say that women are not as equal as it should be. So, I think both points are valid, and it depends upon one's own observation, experience and liking that what position he or she takes. Okay. I think that by and large our situation is very good in comparison to so many countries, but otherwise who have the different opinion, they are entitled to have that opinion. तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज यहाँ समाप्त होता है एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस लाइक ब्यूटीफुल नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग आर टुडेज प्रोग्राम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स और अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ तब तक देखते रहिए किशोर मंच